गिरफ्तार कर लिया गया है। 5,000 का ये इनामी बदमाश था जो पुलिस की गिरफ्त में है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले ही सुमित जाट को गिरफ्तार किया था कविनगर थाना पुलिस ने, जिसके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए थे। तभी से सुमित जाट से पूछताछ चल रही थी, जिसके तहत एक बड़ा जो बड़ा कदम उठाया है कविनगर थाना पुलिस ने, उसी का ये अंजाम सामने देखने को मिला है कि नितिन, जो काफी समय से फरार था, 5,000 रुपए का इनामी बदमाश था, इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं। जैसा कि सुमित जाट को पकड़ने पर यह पता चला था कि तमाम लोगों की उन्होंने सुपारी ली हुई थी। सुमित जाट एक अपने आप में बड़ा दुर्दांत अपराधी है उत्तर प्रदेश का, और उसके जो साथी है वो भी काफी दुर्दांत अपराधी है। इसका जो साथी है, अब जो गिरफ्तार किया गया है कविनगर थाना पुलिस के द्वारा, इसका नाम नितिन बताया जा रहा है, और ये 5,000 का इनामी बदमाश है। ये भी यहाँ कोई बड़ी वारदात करने के लिए घूम रहा था। जी नितिन, और कौन कौन सी वारदातों में इन्वॉल्व रहा है सुमित और इसका साथी नितिन? देखिए, सुमित ने दिल्ली NCR में तमाम वारदातों को अंजाम दिया था। इसका काम था व्यापारियों से रंगदारी वसूलना, जो रंगदारी नहीं देते थे उनको जान से मार देने तक इसने काम किए हुए हैं। काफी कुख्यात अपराधी है ये। 15,000 का इनामी बदमाश है सुमित जाट, और इसके बाद जो ये बदमाश गिरफ्तार किया गया है नितिन, इसके ऊपर भी 5,000 का इनाम है, जिससे कई दिल्ली NCR में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। और साथ ही सुमित जाट के बाद नितिन की गिरफ्तारी हुई है, क्या इस गिरोह में और भी सदस्य शामिल है? क्या उन तक भी पुलिस अब जल्द पहुंचने की बात कह रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपराधिक वारदातें जो इसने की है, वो नितिन ने आपराधिक वारदातों का सिलसिला तब जा पहला जो अपराध किया था इसने 10वीं कक्षा में किया था, उसके बाद से इसने आपराधिक जो वारदातें हैं उस पर लाइन फेरिस्ट लगा दी। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये दुर्दांत अपराधी है, और अभी इससे और खुलासे होने बाकी है। जी शुक्रिया जितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कविनगर इलाके से कुख्यात बदमाश नितिन की गिरफ्तारी हो गई है। लंबे समय से पुलिस नितिन की रिसर्च कर रही थी। 5,000 का इनाम इस पर घोषित था। इससे पहले उसका साथी सुमित जाट पुलिस की गिरफ्त में था।